लीटर से 2 लीटर। गौमूत्र डाल दें। किसान साथियों, हमें अपनी फसलों में कीटों के नियंत्रण के लिए कुछ ना कुछ स्प्रे करना पड़ता है। हम रासायनिक इंसेक्टीसाइड, फंगीसाइड और न जाने कितनी चीज़ें हम अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें सही से उन चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिल पाता और हमारी फसलों में कीटों का जो अटैक है वो कंट्रोल नहीं हो पाता और हमारी फसलों को कीटों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और हमारी उपज भी कम होती है, लागत भी बढ़ती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें जैविक में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए जिससे कि हमारी फसलों में 100% कीटों का नियंत्रण हो जाए और हमारी फसलों में कम लागत लगे, और हम घर पर ऐसा कौन सा फार्मूला बना सकते हैं जिससे कि सभी तरह के कीटों का जो अटैक है वो कंट्रोल हो, रस चूसक कीट हो, कतरने वाले कीट हो या फिर फंगस हो। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। तो किसान साथियों, हमें अपने घर पर ऐसे कौन कौन से फार्मूले बनाने हैं जिससे कि हमारी फसलों में इन कीटों का नियंत्रण हो पाए। तो सबसे पहले तो हमें अपने घर पर छाछ द्रव्य रसायन बनाना है। छाछ द्रव्य रसायन का डिटेल्स वीडियो चैनल पर है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख लें कि छाछ द्रव्य रसायन कैसे बनता है। गाय के देसी छाछ और गुड़ से बनता है। दूसरी चीज़ हमें लेना है कड़वा जैव रसायन। एक कड़वा जैव रसायन आप नीम का या फिर एलोवेरा से बना सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमें लेना है गौमूत्र। यह हमें गौमूत्र लेना है, ताज़ा भी ले सकते हैं। यदि आपके पास 30 दिन या 40 दिन या 60 दिन पुराना गौमूत्र है तब भी आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, छाछ द्रव्य रसायन लेना है 6 लीटर। 1 एकड़ का डोज मैं बता रहा हूँ, तो आप 6 लीटर छाछ द्रव्य रसायन लें, उसमें आप 1 से 2 लीटर गौमूत्र डाल दें। तो अब आपको उसमें गौमूत्र डाल देना है और आपको कड़वा जैव रसायन लेना है 1 लीटर से 2 लीटर। तो आप कड़वा जैव रसायन मिला लें और तीनों को मिलाने के बाद में आप 200 लीटर पानी में डाल दें और 200 लीटर पानी में डालने के बाद अच्छे से घोल लें और फिर उसका स्प्रे आप किसी भी फसल में करवाते हैं, चाहे आप वेजिटेबल्स फसल लेते हो जैसे कि बैगन है, टमाटर है, कद्दू है या फिर बेल वर्गीय जो फसलें होती हैं, खीरा है, मिर्च है, और ख़ासकर मिर्च की फसल में, सब्जी वर्गीय फसलों में जो लीफ कर्ल वायरस की समस्या आती है उसका 100% नियंत्रण इस फार्मूले से होता है, तो आप इसका स्प्रे ज़रूर करें। तो इस कॉम्बिनेशन से हमारी फसलों में सभी तरह के कीटों का नियंत्रण होता है। जैसे कि हम कीटों की बात करें तो रस चूसक कीटों में सबसे बड़ी समस्या होती है थ्रिप्स की, वाइट फ्लाई की और माहू की, चेपा की, तेला की, तो उनका नियंत्रण 100% हो जाता है। और हमारी फसलों में वायरस जन्य जितने भी रोग होते हैं जैसे कि लीफ कर्ल वायरस हो गया और लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, कुकड़रा रोग है, तो उनका भी 100% नियंत्रण होता है। और कीटों की बात करें तो कतरने वाले कीट जितने भी हैं, सेमी लूपर है या फिर मारू का जो इल्ली है, इनका 100% नियंत्रण इस फार्मूले से होता है। लेकिन इस फार्मूले का प्रयोग आपको कैसे करना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो आप इस फार्मूले का प्रयोग हर 8 से 10 दिन पर अपनी फसल पर स्प्रे करते रहें। जैसे कि आज आपने स्प्रे किया, 8 दिन बाद आप फिर इस फार्मूले का स्प्रे अपनी फसल पर करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी रासायनिक इंसेक्टीसाइड, फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी फसल जो है वो 100% स्वस्थ रहेगी और उसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि इन फार्मूले में कीट नियंत्रण ही नहीं होता। यह फार्मूले फसल को पोषक तत्व देने का काम भी करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित यह फार्मूले हैं। जो छाछ द्रव्य रसायन है वो TCBT कृषि तकनीक का फार्मूला है, जैव रसायन है वो भी TCBT कृषि तकनीक का फार्मूला है, और हमें देसी गाय का ही गौमूत्र लेना है जिससे कि हमारी फसल में 100% नियंत्रण हो पाए और हम अपनी फसल से अधिक उत्पादन ले पाएँ। तो किसान साथियों, इसका स्प्रे आप सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं, सब्जी वर्गीय हो, अनाज वर्गीय फसलें हो, बागवानी हो, सभी तरह की फसलों में आप 8 से 10 दिन के अंतर पर अपनी फसलों पर स्प्रे करते रहें और अपनी फसलों में आ रही समस्या का 100% नियंत्रण इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।